व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, रात से हो रही है मुसलसल। तो अभी पता क्या दिन है आज? चांद रात। ओहो हो, सबकी खुशी का दिन है आज। और सऊदी अरब में आज ईद हो चुकी है, ठीक है, और कल हज भी हुआ था सारा, हमने देखा था, बड़ा मज़ा आया था। और अभी चांद रात है तो हमें जाना है मंडी, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल मंडियों के रेट डाउन हुए होंगे, बारिश मुसलसल हुई जा रही है, जानवरों को संभालने की जगह है तो नहीं है, तो उनको बेचेंगे वो सस्ते दामों में, ठीक है। तो हम जाएंगे, देखेंगे क्या सीन है, आपको भी दिखाएंगे। बस अभी मंडी चलते हैं। अभी मैं भाई सब्ज़ी लेने के लिए आया था, आपको मैं सीन दिखाऊँ, ये देखो। इतना इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है ना। तो अभी जो है ना, निकल चुके हैं, रास्ता थोड़ा सा लंबा है इसलिए हम आराम से जा रहे हैं। इसको आज चांद रात है, देखते हैं क्या सूरत हाल है। वो रही मंडी, आज बारिश हुई है, देखते हैं क्या सीन है यार। अभी अभी एक खौफनाक जो है ना सीन देखने को मिला है, वो ये है कि पूरी मंडी खाली हो गई है यार। मुझे तो ऐसा यहाँ पे बड़ा ज़्यादा रश होगा, पूरी मंडी खाली, सब बिक गए हैं। मैंने एक बंदे से पूछा है, वो कहता है कुछ भी नहीं बचा यार। मैं हैरान हो रहा हूँ, ये देखें ज़रा, यही बस बचे हैं थोड़े थोड़े। ये सारी जगह फील थी, पता नहीं किधर गए सारे, सारे बिक गए। यहाँ मेरे दोस्त बैठे होते थे, वो भी सारे चले गए। बारिश के आने का कोई फायदा नहीं हुआ, लोग तो बेच बूझ के चले भी गए हैं। ये देखो बस यही रह गए। ये वाला कैमल बिक गया जी, वाह जी वाह। मुझे खुद नहीं पता। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम, कितने का बेचा है आपने? 2.85। वो वाला जानवर जी, माशाल्लाह। मंडी कब की ख़त्म होनी शुरू हुई है? ये दुख तो ना डाल सकता। अच्छा जी, हाँ ये बड़े लंबे दुख हैं, बस असा मजबूरी, तू गरीब लोग इतने आ गए ते हालात नाल चलना पौंदा है, तकरीबन लोग नुकसान ही जा रहे हैं। ए, सारे वेच के गए उंज लै गए नाल, कोई उंज लै गए ते कोई वेच के जाते पे, जो वेच के जाते पे नुकसान ही जाते पे। अच्छा, मैं जो आया सी सारी जगह भरी पई सी, भरी पई आई, लेकिन कुछ लोग इतों लड़ के ते लाहौर लै गए। अच्छा, लाहौर रेट ज्यादा हो गया है। सही है जी, ते बाकी हालात नाल जी लाहौर भाई तेजी हो गई है। सही, कुछ इतने कुछ लोग लगने वन के जाके पैसे देने होते वो नुकसान करके भी जानवर दिती जाते हैं। सही है, तो असम किन्ने जानवर रह गए ने? मेरे जानवर हैं तीन, दो बराबर तो गए नहीं, तो एक 10-20 हज़ार नुकसान करके गए। मतलब हूँ तो उसी वेले हो गए, फारे हो गए, उसी जान वाले हो? जान वाले, माशाल्लाह। मुबारक हो जी, मुबारक हो। अल्लाह खैर कर। कौन है जब? मियाँ वाली। मियाँ वाली तुम, सही है। लो जी देख रहे हैं आप, अंकल जी तो वेले हो गए हैं, हम आज तो शौक में लग गए हैं। हम भी इधर से जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ यार। बस ना थोड़ा सा दिल घबरा रहा है कि क्या हुआ यार, ये सारा खत्म हो गया, अब जानवर ये बच्चे ही रह गए हैं बस। ये वाला बिक गया जो जा रहा है। हाँ ये वाला, बाकी सारे बिक गए माशाल्लाह। ये उतने का बिका जो मैंने अभी अंकल से पूछा था। कैसी अल्लाह की शान है यार। अंकल ने आपको बताया ना अभी अभी क्या सिचुएशन है, तो मैं
मैं भी ना ज्यादा हैरान इस वजह से हो रहा था कि यार ये हुआ क्या, मुझे पता चल गया ना, थोड़ा सा तसल्ली हो गई। अभी हम जाते हैं ख्याली में, तो वहां पे जाके देखते हैं क्या सीन है। ख्याली आओ, ख्याली भी सफाया हुआ है सारा, देखो जरा। मैंने रोजा रखा है, मास ने वैसे मास को भी भूख लगी होनी है, तो अभी हम चलते हैं घर, फायदा कोई नहीं है, जाके घर बैठते हैं और अफ्तारी का इंतजार करते हैं। तो अभी हम जो है ना घर आ गए हैं और रोज़ा इस कदर लग रहा है इस टाइम, क्योंकि मैंने 8 पैरा रोज़ा रखा था, कुछ भी नहीं था खाया, मैंने पिया तक भी नहीं था कुछ भी, तो बहुत बुरा असर हो रहा है। और मैंने अभी पूछा है कि टाइम कितना रहा है, कि कह रहे हैं 15-20 मिनट हैं, तो खाने को बड़ा कुछ अच्छा अच्छा बना रहे हैं, खुशबू से ना दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो अभी बस अफ्तारी का टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, जो ही अफ्तारी खुलती है उसके बाद फिर अफ्तारी करेंगे और फिर वहाँ पढ़ के आएंगे। तो अभी ये देखें, माशाल्लाह पकोड़े हैं, शिमला आलू हैं और साथ में रोटियां हैं और सादा पानी है। अभी अफ्तारी का टाइम हो गया और मैं जो है ना अफ्तारी करने लगा हूँ। चुप करो शाफे, चुप करो। तो अभी इंशाल्लाह खाते हैं पकोड़े और साले में रोटियां, तो फिर जो है ना आपसे बात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कह रहा हूँ, अफ्तारी कर ली, वीडियो को एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो करना मत भूलिए, और मेरी बाकी वीडियो भी देखिए और उनको भी लाइक कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो आप सबको मेरी तरफ से बड़ी ईद की चांद मुबारक कह रहा हूँ, चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, आप सब खुशियों से रहें और जानवरों को ज़िबा करें, मेरा शापर भूले हो ना।